अस्सलाम वालेकुम, एसटी जॉब कंसल्टेंट पाकिस्तान में खुश आमदीद। अभी बिग अपॉर्चुनिटीज है एयर ब्लू की तरफ से, जो वो लोग जो मैट्रिक पास है और जिनको ड्राइविंग आता है, गाड़ी चलाना जानते हैं, वो उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज है। बहुत अच्छी सैलरी एयर ब्लू की तरफ से। और उसमें क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे और डेट का टाइमिंग क्या होगा और लास्ट डेट कब है, वो कम्प्लीटली मैं बताऊँगा। तो आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना होगा। अगर वो लोग जो कि आपके फादर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, तो इसमें अप्लाई करवाएं और उनके लिए, ताकि वो लोग जो जॉब लेस हैं और उनके लिए अच्छी सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी बेनिफिट के साथ जो है आपको इसमें सैलरी मिलेगा। और इसमें क्या क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, सब कुछ मैं डिटेल बताऊँगा, कम्प्लीटली वो सुनिएगा, ताकि आप अपने प्यारों के लिए मदद कर सकें और इस रमज़ान में ढेरों नेकियां कमा सके। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, रिलेटिव भी होंगे, जो कि वो जॉबलेस होंगे या अच्छी जॉब के लिए जो है ढूंढ रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, तो ये उनको लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी और अट्रैक्टिव सैलरी है और एयर ब्लू में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। चलते हैं स्किन की तरफ। इससे पहले मैं चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल में आए हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सिर्फ आपके लिए है, पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड। और हमारे पास ग्रुप का लिंक मौजूद है, जो मैं आपको दूंगा, उसमें ऐड हो जाइएगा, ताकि आप इसमें बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आप हासिल कर सकें, आपको मिस ना हो सके। और इसमें हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप किस जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए हेल्प करें, हम आप सर्च करके हम आपको बताएं, ताकि आप जॉब हासिल कर सकें। क्राइटेरिया बहुत आसान है, सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्म सबमिट करना होगा, फिल करना होगा और भेजना होगा, ताकि वो देखेंगे और बर वक्त को चेक करके आपके लिए आपको कॉल वो करेंगे एयर ब्लू की तरफ से। ये किस तरह से होगा वो कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं स्किन की तरफ। एयर ब्लू की तरफ से जो अभी हायरिंग चल रहा है, वो है ड्राइवर की और डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट, और लोकेशन है लाहौर एयरपोर्ट, और एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैट्रिक की सर्टिफिकेट आप इसमें ऐड करेंगे, और आपके पास जो है आप ये जेंडर मेल है, और इसके अलावा जो एज जो है 28 से लेकर 50 इयर्स अगर आपका एज है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 22 मार्च 2024 तक आप इसमें लास्ट डेट है, इस तक जो है 22 मार्च 2024 तक जो है आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिंक होगा वो आप गूगल में सर्च करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि www.airblue.com/job/ लिखा हुआ होगा, आपने उसमें क्लिक करेंगे और उनका लिंक मौजूद होगा, और लिंक में जो है वहाँ पे लिखा हुआ होगा, लास्ट में आप जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एयर ब्लू का जो है ड्राइवर का जो है आपको मिलेगा, और उसमें जो लिखा हुआ होगा LHE एयरपोर्ट, ठीक है, LHE एयरपोर्ट लोकेशन लिखा हुआ होगा और ड्राइवर लिखा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉर्म आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको उसमें फॉर्म शो हो रहा होगा, ठीक है। अब जब आप उसमें फॉर्म ये शो होगा तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आप इसमें कम्प्लीटली इनकी रिक्वायरमेंट भी मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और ऑटोमोबाइल रिपेयर और मेंटेनेंस के जो है आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, और गुड ड्राइविंग आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और लाहौर से रिलेटेड है, और इसके बाद जो है आपके ट्रैफिक और वहाँ के जो लोकेशन का जो जितने भी एरियाज हैं उनके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये सब कुछ दोबारा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो है इसमें अहल होंगे, ठीक है, इंग्लिश में आपको बात करना और सुनना समझना आने चाहिए। फिर यहाँ पे देखें, इसमें अप्लाई का यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे इनका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म जैसे ही आप ओपन करेंगे इसमें सब कुछ आपको लिखना होगा, और फॉर्म में ये सब कुछ लिखेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टाइटल आप लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडल नेम लिखेंगे, लास्ट फैमिली नेम लिखेंगे, और स्ट्रीट एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, आप स्टेट
प्रीवियंस जो है वो आप लिखेंगे, पोस्टल कोड आप ऐड करेंगे, ईमेल आप ऐड करेंगे, ईमेल बहुत अच्छे से देखिएगा जो आपका अपना है, और कॉन्टेक्ट नंबर लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा, आईडी टाइप लिखिएगा, और इसके बाद आईडी नंबर लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो है आप वो लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आ जाता है एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल। ठीक है, आप इसमें जो है आप स्क्रॉल करेंगे और इसमें आप इसमें देखिएगा कि एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल्स में जो है आपका इसमें आएगा, जो कि आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट आप इसमें ऐड करेंगे, और इसमें कॉलेज आपने कौन से कॉलेज से किया है और या यूनिवर्सिटी से किया है तो वो आप लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और ग्रेजुएट आपका कितना, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ था कौन सी ईयर में आपने वो लिखना है। ठीक है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आप लिखेंगे, कोई अदर्स है तो वो भी आप लिखेंगे, और फ्रोरिजन लैंग्वेज भी अगर आपके पास आता है तो बहुत वेल एंड गुड होगा, आपके किसी और लैंग्वेज में भी अगर आपकी कोई है, आपको जानते हैं लैंग्वेज जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और वर्क एक्सपीरियंस जो है अब इसमें आता है, और वर्क एक्सपीरियंस में फिर आप ये स्क्रॉल और नीचे करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस जो है रिलेवेंट फील्ड आपने वो लिखना है, और इसके बाद कंपनी नेम लिखना है, आप किसी कंपनी में थे तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट कितनी ड्यूरेशन कितना था, कब से थे और लास्ट कब हुआ था वो भी आप लिखेंगे, और नेक्स्ट अगर किसी और कंपनी में भी थे आप वो भी लिखेंगे, पोजिशन आपका टाइटल क्या था वो लिखेंगे, आपका डिस्क्रिप्शन में था, डिस्क्रिप्शन में आपने वो लिखना है जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, आप किस तरीके से आप वहाँ पे काम करते थे, क्या क्या चीज़ें थी वो आप लिखेंगे, और इसके बाद जो है पोजीशन टाइटल लिखेंगे, और इसके बाद जो है प्रोफेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें आ जाता है आपका, जो आपका रेफरेंस टाइप ऑफ रिलेशन कोई है तो वो भी आप लिखेंगे, और टाइटल लिखेंगे, नेम लिखेंगे, ऑक्यूपेशन पोजीशन लिखेंगे, और कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, और ईमेल भी लिखना है, ईयर्स भी आप लिखेंगे इसमें, और इसके बाद जो है आप इनके बाद जो है फाइल आ जाता है इनके फाइल पे, आप इसमें फाइल में जो अटैचमेंट है वो आप देखेंगे, फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, आपकी तस्वीर आएगी और इसमें, और नेक्स्ट जो है आपका जो है गवर्नमेंट इशू फोटो जो आईडी है वो आएगा, और इसमें नेक्स्ट में जो है लास्ट में इसकी आपकी सीवी आएगी, सीवी आप इसमें ऐड करेंगे, और आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप देखिए इसमें लास्ट में इनकी इंफॉर्मेशन भी है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, और सबमिट जो है सबमिट माय एप्लीकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपकी जो जितनी भी आपने लिखा है वो चले जाएगा, आपने जो लिखा है वो ध्यान से देखिएगा जो आपने कम्प्लीटली लिखा है इसमें, ताकि वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो आपके जॉब हासिल करने में। इसके साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइनिंग रहिएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो जानने वाले हैं उनको जॉब मिलते रहे। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और इस चैनल का भी, और आप अपना भी। अस्सलाम वालेकुम।